वार्तालाप की आपका नजरिया आपकी आवाज। पूर्वी उत्तर प्रदेश समेत आजमगढ़ में पिछले काफी दिनों से हो रही बारिश से सड़कों का बुरा हाल है। हालत यह है कि मुख्यमंत्री के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को भी भारी नुकसान पहुंच रहा है। एक्सप्रेसवे का अगले महीने ही उद्घाटन होने को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अब उस पर पानी फिरता दिख रहा है। हालांकि इस एक्सप्रेसवे के निर्माण की प्रगति को जानने के लिए एक के बाद नेताओं और अधिकारियों का दौरा चल रहा है। गुणवत्ता का भी दावा किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भी हिदायत देकर गए हैं, लेकिन इसकी पोल उस समय खुल गई जब शहर के समीप अकरोड़ा गांव के पास इस निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे पर 2 फीट के दायरे में होल देखा गया। मार्ग धंसने से उधर से गुजर रहे लोग हैरत में पड़ गए। सपा नेता लालजीत यादव ने इसका वीडियो वायरल कर दिया और कई आरोप लगाए, साथ ही निर्माण कार्य की जांच की मांग की है। रोड में गड्ढे की जानकारी मिलने के बाद कार्यदायी संस्था इसको दुरुस्त कराने में जुटी हुई थी, लेकिन सवाल तो खड़ा होता ही है कि उद्घाटन से पहले जब यह स्थिति है, जब इस पर भारी वाहन चलने लगेंगे तो क्या होगा। वैसे भी रोड के निर्माण को लेकर मिट्टी की कमी पहले से ही होती आई है और मुश्किल से इसका इंतजाम किया जा रहा है। अब बारिश से भी मिट्टी के बहने से दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। सरस्वती पुस्तक भंडार माओ, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, माओ। वहीं दूसरी तरफ शहर के भी कई क्षेत्रों में सड़कों का बुरा हाल दिखाई दे रहा है। जगह जगह गड्ढे में पानी भरने से आने जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और हादसों की भी संभावना लगातार बनी रहती है। वहीं कुछ पेड़ भी मुख्य मार्ग पर ही झुक गए हैं, लेकिन उस पर भी किसी का ध्यान नहीं है जो किसी भी वाहन को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल SDM सदर भरोसा दे रहे हैं कि जो भी सड़कें गड़बड़ हैं उनको चिन्हित कर लिया गया है, उनको जल्द दुरुस्त कर लिया जाएगा। एक्सीडेंट भी होता है तो उसको लेकर जिला नगर पालिका क्या कर रही है? हमने जो भी नगर क्षेत्र में नगर पालिका की जो सड़कें हैं उनका वेरिफिकेशन कराया है, कौन सी रोड अच्छी स्थिति में और कौन सी खराब है, रिपेयर किया जाना है। उसमें कुछ सड़कों के बारे में हमने जानकारी लिया है और हम सब लोगों ने कल निरीक्षण भी किया था कई सड़कों का। इसमें हमें जैसे कि एक चनिया मस्जिद से लेकर के आज़ाद पार्क तक एक रोड है, वो काफ़ी टूटी हुई है, तो उसमें एक पार्ट का टेंडर होने जा रहा है, टेंडर की प्रक्रिया में है, और दूसरा पार्ट जो है उसकी भी कार्ययोजना 4-5 दिन में कार्ययोजना पास हो जाएगी, तो उसको भी जो है निर्माण कार्य प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। साथ ही साथ अभी तहसील के सामने जो कलेक्ट्रेट चौराहे से त्रिमुंटी तिराहे तक ये रोड भी काफ़ी टूटी हुई है। इसके साथ ही साथ जो गांधी तिराहे से नेहरू हाल होते हुए जो एक रोड आई हुई है वो भी टूटी हुई है, उसका भी सर्वे करा लिया गया है और इसका एस्टीमेट बनाने के लिए संबंधित GE को निर्देश दे दिए गए हैं, वो जल निकासी और रोड दोनों का एस्टीमेट बनाए। साथ ही साथ एक रोड और है जो कि शंकर तिराहे से हुसैन की तरफ गई हुई है, उसको भी हम लोग अभी पूरे तो नहीं बना पाएंगे क्योंकि बजट का उतना पर्याप्तता नहीं है, उसको भी पैचिंग के लिए हम लोग इस बार पैचिंग में भी उसको दे रहे हैं जिससे वो रोड भी लोगों के आवागमन लायक बनाई जा सके। सर, सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि रोड तो बन जाता है लेकिन नाली की समस्या यथास्थिति बनी रहती है, जिसके चलते बरसात में पानी जो सड़क पे आता है उसके चलते रोड खराब होता है। इस बार नाली को जो सर्वे किया है उसमें नाली को भी रोड के साथ ही इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि जब तक जल निकासी की अच्छी व्यवस्था नहीं होगी रोड कितनी भी अच्छी बन जाए वो टूट जाती है, इसलिए जल निकासी और रोड दोनों को साथ साथ इस्टीमेट बनवा रहे हैं। सर, कब तक कार्य मतलब ये हो जाएगा? अब एक तो रोड टेंडर प्रक्रिया में है, इसे सबका जो एस्टिमेट बन करके वो भी जल्दी ही जो है टेंडर की प्रक्रिया में आ जाएगा। मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है, समाजवादी यूनियन सभा पूर्व प्रदेश कार्यकारी सदस्य। आज हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पैसे ही चलते जा रहे थे पैदल, तब तक देखें हम लोग पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में बहुत बड़ी खाई टाइप का धस गया है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे। आज उसका हम लोग ये देखिए, ये भाजपा के लोग इतना मतलब उसमें भ्रष्टाचार किए हैं, योगी आदित्यनाथ इतना मतलब वो उसका उद्घाटन करने के लिए कर रहे हैं, थोड़ी सी भी बात नहीं हुई और वह पूर्वांचल एक्सप्रेस वे धस गया। हम लोग साथ ये सरकार को पूर्ण रूप से दोषी मानते हैं और यहाँ के जो ठेकेदार उसको लिए हैं उसका पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को बना रहे हैं उसका जो है कि इतना मतलब भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं उसको, उसमें कि मतलब क्या बताया जाए।
अगर ये लोग सही चीज़ को नहीं बनाते हैं तो हम लोग इससे जो है कि पूर्व से हम समाजवादी पार्टी के लोग इसका विरोध करेंगे।